अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। में फिर से आगे न्यू एक रेसिपी के साथ। तब सब कैसे आशा रखते हैं, ठीक हो? तो चलो आज मैं बात ज़्यादा ना करके शुरू करते बीट की कलर रेसिपी। तो बीट में से कैसे कलर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जो लगेगा वो है बीट। तो ये जो बीट फ्रूट है तो ये मैं ले लिया और इसको छील के बहुत अच्छे से धो के रख दिया। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, अभी ये छोटा छोटा करके कट करूँगी और ऐसे ग्राइंडर से पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए अभी छोटा छोटा करके कट कर लूँगी। तो इसमें से फ्रूट कलर बहुत अच्छा बनता है, मार्केट से खरीदने से अच्छा कि घर में ही बनाओ। घर में बहुत सेफ्टी रहता है कि कोई केमिकल वगैरह इसमें नहीं ऐड होता है, और बाहर से कुछ भी खरीद के लाओ तो उसमें केमिकल थोड़ा बहुत रहता ही है, तो इसमें बच्चे के लिए भी हानिकर होता है। तो घर में बनाओ बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। तो इसके लिए अभी मेरे को एक ग्लास आधा ग्लास पानी लगा, तो बाद में मैं और आधा ग्लास पानी ऐड किया है। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको एक पेस्ट बना लूँगी। तो इसमें जो बूंदे बूंदे हैं वो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फ्रूट कलर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं ऐसा एक कपड़ा ले लिया, सूती का कपड़ा भी ले सकते हो। तो ये मैं जो मच्छरदानी होता है उस वैसा ही एक जाल ले लिया। तो इसमें से मैं अच्छे से इसको निचोड़ लूँगी। तो इसके अंदर जो जूस है तो जूस को मैं निचोड़ लिया, बीट का जो जूस है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया मैं। देखिए मेरा हाथ पूरा लाल हो गया, इसमें पता चल रहा है आपको ये कितना अच्छे से एक फ्रूट कलर बन के रेडी होने वाला है। तो फिर से मैंने ऐसा किया और जो बाकी का था वो मैं सब रस निचोड़ के ले लूँगी। बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, नीचे जैसा मैं एक पैकेट रख के कर रही हूँ आप भी करना, नहीं तो पूरा गंदा हो सकता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर बन के रेडी है। और पूरा रेडी करने के लिए अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे। अभी ये जूस मैं दे दिया कढ़ाई में। अभी इसको बहुत अच्छे से इसको हिलाना पड़ेगा और जो ऊपर का जो सफ़ेद कलर का जो रहता है वो फेंकना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैं 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड करूँगी। अभी इसको अच्छे से मैं उबालूँगी। लगातार इसको चलाना है ऐसा। ये देखिए ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। बीट का फ्रूट कलर बनाने के लिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। और जो पालक भाजी से जो बनाएंगे हम अगले एक वीडियो में आप लोगों का प्लीज कमेंट में बताना, तो मैं दिखाऊंगी पालक भाजी से कैसे फ्रूट कलर बनता है ग्रीन कलर का। तो उसमें गाढ़ा बन जाता है बट इसमें गाढ़ापन नहीं आता है। तो ये देखिए मैं लास्ट में दे दिया नींबू की रस। नींबू की रस देने के बाद और थोड़ी देर उबालना पड़ेगा, फिर ये बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अभी मैं फिर से इसको छान लूँगी छानने से, क्योंकि अंदर जो छोटा बहुत बूंदे रह जाता है वो निकल जाएगा। तो तब तक एक बात कह लेती हूँ, प्लीज़ मेरी ये वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगले जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाएगा। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी ले लिया और एक कलर एक चम्मच दे के दिखा दूँगी कैसा कलर बन रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर बन के रेडी हुआ है। तो ऐसा आप लोग भी घर में बनाइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। फिर से कह रही हूँ प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि कोई भी लाइक नहीं करना चाहते हैं, लाइक करने में पैसा नहीं जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना। तो देखिए एक बॉटल में डाल लिया। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नया कुछ रेसिपी लेके, नहीं तो ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, बिंदास रहो और मेरी सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।